सत श्री अकाल दोस्तों, सुखमनी इमीग्रेशन सर्विसेज ब्रैम्पटन कैनेडा तो मैं सतविंदर भाटिया थोड़ा इस वीडियो स्वागत करना। मैं रेगुलेटेड एंड लाइसेंसड कनेडियन इमीग्रेशन कंसल्टेंट हाँ। अज का वीडियो बहुत ही स्पेशल है क्योंकि अज थोड़े वास्ते एक नवा PR प्रोग्राम लैके आया जिंद किसी ने गल नहीं की, कोई गल नहीं कर रहा। हाँ, मेरे वीडियो तो बाद कॉपी जरूर करेंगे। सो की प्रोग्राम है, किदे वास्ते है, की डिटेल्स ने, सारा कुछ शेयर करांगे थोड़े नाल। उस तो पहला बहुत छोटी जी रिक्वेस्ट, चैनल जे तुसी हुण तक सबसक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल जरूर सबसक्राइब कर दिओ, क्योंकि इस चैनल ते असी बहुत सारिया कनेडियन इमीग्रेशन दियां न्यूज़ अपडेट टिप्स ट्रिक्स थोड़े नाल शेयर करने हैं। जे वीडियो पसंद आए प्लीज़ लाइक करो, शेयर करो अपने फ्रेंड्स और फैमिलीज़ नाल ताकि उन्हां दा भी बेनीफिट हो सके। सो बिना होर देर कीतिया होया शुरू करने हैं बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो, जो कि लेटेस्ट प्रोग्राम गवर्नमेंट ने अनाउंस किया है। की प्रोग्राम है, किदे वास्ते है, सारी गल्लां दसने हैं। सो प्रोग्राम हैगा जी, न्यू पायलट प्रोग्राम लॉन्च होया। पायलट प्रोग्राम दे थ्रू तुसी PR ले सकते हो। किदे वास्ते है पायलट प्रोग्राम? एक पायलट प्रोग्राम हैगा कंस्ट्रक्शन वर्कर वास्ते, जो कि कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री च काम करते हैं। पायलट प्रोग्राम उन्होंने वास्ते है। ये तुसी अगे गवर्नमेंट की अनाउंसमेंट है, वो भी मैं थोड़े नाल इत्थे शेयर कर रहा। न्यू परमानेंट रेजिडेंस फॉर आउट ऑफ स्टेटस, जिहड़े कि आउट ऑफ स्टेटस हो गए, जिन्हों को कोई स्टेटस नहीं है, कैनेडा के विचकार बैठे ने, कोई स्टेटस नहीं है, उन्होंने वास्ते 2023 दे विच ये प्रोग्राम लॉन्च होया है। सो सब तो इंपॉर्टेंट गल इस सारे प्रोग्राम की है कि ये जिहड़ा प्रोग्राम है ये आउट ऑफ स्टेटस, थोड़े को कुछ नहीं है, कोई स्टेटस नहीं है, बस तुसी कैनेडा के विचकार बैठे हो विदाउट कोई स्टेटस, उन्होंने वास्ते है प्रोग्राम, वो लीगल हो जाएंगे। और जिहड़ी मजेदार चीज है इस प्रोग्राम दे विच, वो भी मैं थोड़े नाल अगे जाके शेयर करना। सो ये टैंपरेरी पॉलिसी है, गवर्नमेंट ने अनाउंस की है पॉलिसी, और ये थ्रू गवर्नमेंट ने PR देना है। किन्हां नूं देना है? कंस्ट्रक्शन वर्कर्स। कंस्ट्रक्शन वर्कर्स कित्थे ने? कंस्ट्रक्शन वर्कर्स हैगे ने GTA दे विच। GTA की है? GTA दा मतलब है ग्रेटर टोरंटो एरिया। मैं थोनों सारा अगे एक्सप्लेन करांगा। पॉलिसी ये लास्ट ईयर भी आई सी, और कमाल की गल है मैं लास्ट ईयर भी पहला बंदा सी जिन्हें वीडियो बना के थोड़े नाल शेयर किया सी। लास्ट ईयर और इस साल, लास्ट ईयर जिहड़ी पॉलिसी आई सी उहदे विच जिहड़ा कोटा सी उहदा डबल करता गया, इस साल पूरा डबल करता गया। सो पॉलिसी बहुत सक्सैसफुल हुई सी गवर्नमेंट की। गवर्नमेंट ने पॉलिसी सेम रखी है लेकिन कोटा डबल करता है। सो लास्ट ईयर ये पॉलिसी आई सी, कोटा सी 500 एप्लीकेशन का, इस साल कोटा हो गया डबल, एप्लीकेशन हो गई ने 1000 एप्लीकेशन हो गई ने। सब तो मजेदार गल, बड़ी ध्यान देने वाली गल, बहुत ही मजेदार गल है, IELTS कोई नहीं देना तुसी इहदे विच, नो IELTS रिक्वायरमेंट, रिक्वायरमेंट है ही नहीं, हटाती है, लैंग्वेज रिक्वायरमेंट नहीं है, तुसी IELTS देना ही नहीं। अमूमन तौर पर तुसी कोई भी PR प्रोग्राम चुक लो, थानू IELTS देना पैंदा है, घट वध दैट इज़ अ डिफरेंट थिंग, किसी च घट स्कोर चाहिए, किसी ज़्यादा चाहिए, लेकिन IELTS देना पैंदा PR प्रोग्राम वास्ते। वर्क परमिट वास्ते लोड़ नहीं हुंदी, लेकिन PR वास्ते लोड़ हुंदी है। लेकिन ये एक ऐसा प्रोग्राम है जिदे विच IELTS की रिक्वायरमेंट गवर्नमेंट ने हटा दी है। सो ये पॉलिसी जिहड़ी है क्यों बनाई गई है? पॉलिसी इस करके बनाई गई है क्योंकि लेबर शॉर्टेज है, खासकर कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री दे विच। कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री दे विच लेबर शॉर्टेज हैगी है, उन्हों एड्रेस करने वास्ते ये पॉलिसी बनाई गई है। एक गल चेते रखो, क्योंकि ये जिहड़ियां पॉलिसीज हुंदियां ने शॉर्ट टाइम हुंदियां ने, पब्लिक पॉलिसीज हुंदियां ने, मिनिस्टर दे हाथ हुंदा है कदों भी इस पॉलिसी नूं बंद कर देवे। हुण ओपन होई है, मेरे कोल ये सवाल ना पुछना कद तक चलेगी। सो मैं इसे गल का आंसर इत्थे ही दे रहा वा कि यह मिनिस्टर दे हाथे कद बंद हो जाए। 1000 का कोटा पूरा हो जाएगा तो बंद हो जाएगी, या मिनिस्टर का जो दिल करेगा तो बंद हो जाएगी। सो लेकिन हुण ओपन हुई है पॉलिसी। सो ये अगे चलने हैं।
अगली चीज जिहड़ी हैगी है कि प्रोसैस की है। देखो प्रोसैस इहदा समझना बहुत जरूरी है। थोड़ा कोई रिश्तेदार है कनेडा च टोरंटो च बैठा है, ब्रैमटन च बैठा है, मिसिसागा च बैठा है, कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री च काम करता है, पक्के होने की कोशिश करता पे है, एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है थोड़े को। हुण प्रोसैस भी समझ लो प्रोसैस की है। सो प्रोसैस टिकटॉक वाले नहीं समझा सकते, उन्होंने वास्तव पर आया है। सो जो मैं प्रोसैस तुहानू दसन लगा वो तुसी देखो की है। सो कंप्लीट करनी है एप्लीकेशन तुसी किहदे नाल, कनेडियन लेबर कांग्रेस नाल, उन्हां नाल तुसी बैठ के एप्लीकेशन कंप्लीट करनी है। जो थोड़ी एप्लीकेशन कंप्लीट हो जाएगी कनेडियन लेबर कांग्रेस दस देगी हाँ जी एलिजिबल हो, तुहानू किनू रैफर करता जाएगा, IRCC नू रैफर करता जाएगा। सो दो लोगों का इतने बड़ा इंपॉर्टेंट काम है। पहला काम है कनेडियन लेबर कांग्रेस का, वो डिसाइड करेंगे जे वो थानू रैफर करते हैं तो IRCC थानू अगे PR की तरफ लै जाएगा। सो पहला काम कनेडियन लेबर कांग्रेस का, दूजा IRCC का। उस तो बाद अगर अप्रूव हो जाते हो तुसी आउट ऑफ स्टेटस हो, तुहाडे कोल कोई स्टेटस कागज तो है नहीं, तो थानू की मिलेगा? सब तो पहला थानू मिलेगा TRP, टैंपरेरी रेजिडेंट परमिट मिल जाऊगा, वर्क परमिट मिल जाएगा थानू, तुसी काम कर सकते हो लीगली। इन्नी देर च थोड़ा PR थानू मिल जाएगा। जब तक तुसी एप्लीकेशन लाई जब तक सब तो पहला थानू वर्क परमिट पकड़ा देंगे, कोई गल नहीं तू लीगली काम कर, तो जिहड़ा इलीगल सी उहनू छड्ड दे, लीगली काम कर, और जो तेरा PR आएगा तू पक्के हो जाएगा, ना दे नाल PR भी प्रोसैस हो जाएगा। सो ये प्रोसैस है। एप्लीकेशन जी कनेडियन लेबर कांग्रेस में भरनी है वो इस तरीके हैगी है। सो कई बार इतों पढ़नी थोड़ी औखी भी हो जाती है, बट जिन्होंने लोड़ है मेरे नाल कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ये पब्लिक पॉलिसी के एक चीज़ आई है कि पूरे कैनेडा के जी वर्करस वास्ते नहीं है। तुम ये ना सोचो कि कोई अल्बर्टा बैठा है, वैंकूवर बैठा है, कि मॉन्ट्रियल बैठा है, ना, ये पॉलिसी सिर्फ GTA वास्ते है। हुण सवाल है कि GTA का मतलब की है? GTA का मतलब है ग्रेटर टोरेंटो एरिया। सो ग्रेटर टोरेंटो दे विच ऑफ कोर्स टोरेंटो आंदा है, टोरेंटो के आले दुआले के जिहड़े एरिया ने वह भी आते हैं, वो कि मैं थोड़ा दस दिया। सो ग्रेटर टोरेंटो जिहड़ा सिटी ऑफ टोरेंटो के जिहड़े रीजनस ने, सिटी ऑफ टोरेंटो तो है ही है, वो अलावा डुरम रीजन है। डुरम दे विच की आंदा है, ओशवा, पिकरिंग, एजेक्स, विटबी, ये लोग उदे विच आते हैं। हाल्टन रीजन है, उदे विच बर्लिंगटन, हाल्टन, मिल्टन, ओकविल, ये सारे उस दे विच आते हैं। पील रीजन जिथे कि असी मैं भी हाँ, पील रीजन दे विच आंदा है ब्रैमटन, मिसिसागा, कैलेडन। सो ये पील रीजन है। फिर यॉर्क रीजन है, यॉर्क दे विच वॉन, मार्कम, रिचमंड हिल, न्यू मार्केट, किंग, ये सारे रीजनस यॉर्क दे विच आते हैं। सो ये सारिया चीज़ा GTA दे विच ने। जे तुसी कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री इना एरिया दे विच काम करते पे हो, ये पॉलिसी थोड़े वास्ते है। स्ट्रेट अवे गोल्डन अपॉर्चुनिटी है PR लैन की, गौरमेंट ने इंट्रोड्यूस की है। सो हुण अप्लाई कौन कर सकता है? सो अप्लाई समझन वास्ते इस पिक्चर नूं तुसी ध्यान नाल देख लो, तुहानू पता लग जाऊगा अप्लाई कौन कर सकता है। अप्लाई कर सकते ने जिहड़े लोग अप्लाई कर सकते ने उन्हां कोल की होना चाहिए? सब तो पहला तो करंटली आउट ऑफ स्टेटस होने चाहिए ने, कोई स्टेटस है ही नहीं उन्हां कोल, राइट, करंटली आउट ऑफ स्टेटस। दूजा लिविंग इन कैनेडा, 5 साल तो कैनेडा जी रह रहे होने चाहिए ने, उन्हां कोल वर्क एक्सपीरियंस होना चाहिए, फैमिली होनी चाहिए कैनेडा दे विच, और CLC ने रैफर किया होना चाहिए कैनेडियन लेबर कांग्रेस। लास्टली जिहड़ा है एडमिसिबल टू कैनेडा होना चाहिए। इन्हां सारिया चीज़ों का मतलब भी मैं तुहानू थोड़ा जिहा होर डिटेल च दस दिया की मतलब है, तां कि तुहाडे कोल अंडरस्टैंडिंग पूरी होवे। सो पहली चीज़ नूं लैंदे आ, करंटली आउट ऑफ स्टेटस। करंटली आउट ऑफ स्टेटस का मतलब की होंदा? करंटली आउट ऑफ स्टेटस का मतलब है जी जदों तुसी कनेडा आए सी, तुसी लीगली आए सी, डोंकी करके नहीं आए सी, ठीक है, तुसी कंध टप के नहीं आए सी, बॉर्डर चो भज के नहीं आए सी, तुसी लीगली कनेडा आए सी, और तुसी चाहे विजिटर आए हो, चाहे स्टूडेंट आए हो, चाहे वर्क परमिट ते आए हो, लीगली आए सी, लेकिन ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम जो भी थोड़ियां कहानियां रहियां थोड़ा लीगल स्टेटस चला गया। हुण तुसी आउट ऑफ स्टेटस हो, और आउट ऑफ स्टेटस हैगे हो, और तुसी इत्थे कैनेडा च बैठे हो,
आउट ऑफ स्टेटस। और तुसी एक चीज होर याद रखना, तुसी किसी ह्यूमन स्मगलिंग के थ्रू नहीं आए सी, जिस तरह की मैं तुम्हें पहले ही कह चुका। सो आए लीगली सी, हुन आउट ऑफ स्टेटस हो, ये पहली चीज है। दूजी ध्यान ना देखो, ये चीजा किसी ने दसनिया नहीं है। लिविंग इन कैनेडा, लिविंग इन कैनेडा की मतलब है? लिविंग इन कैनेडा का मतलब है कि पिछले 5 सालों तुसी कैनेडा च रह रहे सी। सो 5 सालों तो कैनेडा थोड़ा रेंद्या रेंद्या 5 साल का वक्त बीत गया है। और हुण तुसी कहोगे जी मैं किस तरह दसा कि मैं 5 साल तो रह रहा सी? वो दसन वास्ते या तो थोड़े ना तो कोई लीज एग्रीमेंट होना चाहिए, कोई रेंट एग्रीमेंट होना चाहिए, कोई ऐसा प्रूफ, कोई बैंक स्टेटमेंट, कोई बिल, कोई क्रेडिट कार्ड, कोई ऐसी चीज जो शो करे कि हाँ तुसी हैगे सी 5 सालों तो रह रहे सी। ठीक है आउट ऑफ स्टेटस सी लेकिन रह रहे सी 5 सालों तो। सो लिविंग इन कैनेडा, ये नंबर दो। नंबर तीन दे चीजा समझनिया जरा ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये वर्क एक्सपीरियंस ना डील करता है। सो वर्क एक्सपीरियंस है कि वर्क एक्सपीरियंस कौन अप्लाई कर सकता है वर्किंग इन कैनेडा, थोड़े को वर्क एक्सपीरियंस होना चाहिए, टाइप ऑफ वर्क एक्सपीरियंस। ये हूँ नॉक टू टीयर मैं बड़ी बारी गल की है। सो हूँ टीयर कोड्स आ गए ने लेकिन जो मेजर ग्रुप्स ने उही रहे 72, 73, 74 वाले जो ग्रुप्स ने उन्होंने अगर तुम काम किया तो उस कैटेगरी तो जो काम किया हो काउंट होएगा, वो चाहे थोड़ा एज अ इंडस्ट्रियल इलैक्ट्रिकल ट्रेड्स के होए, रेजिडेंशियल इंस्टॉलर हो, चाहे मेंटेनेंस ऑपरेशन होवो, किसी भी एना कैटेगरी होवो जो भी कंस्ट्रक्शन नाल रिलेटेड है, उत्थे थोड़ा वर्क एक्सपीरियंस है। और हुण इत्थे वर्क एक्सपीरियंस के जिहड़ा वर्क एक्सपीरियंस के आवर्स भी ने कि किन्ने घंटे होने चाहिए ने? तो 4,680 घंटे थोड़े को मिनीम होने चाहिए ने। तुसी फुल टाइम काम भी दिखा सकते हो, टुकड़िया च काम भी दिखा सकते हो, लेकिन घंटे 4,680 होने चाहिए ने मिनिमम। प्रूफ किस तरह करोगे कि मैं इन्ना काम किया? थोड़े को T4s होंगे, थोड़े को वर्क एक्सपीरियंस की कॉपी होएगी, नोटिस ऑफ असैसमेंट होएगा, पे स्टब होंगे, कोई भी तरीके जो चीज़ा जहाँ जरिए प्रूफ कर सकते हो कि हाँ मैं काम किया सी, इन्ने टाइम तो मैं काम करता आ रहा कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री च, मैं इलीगल हाँ, मैं आउट ऑफ स्टेटस हाँ, लेकिन मैं काम कर रहा वा, GTA च काम कर रहा और मैनू पक्के होना है। बस ये जी चीज़ा है ने, थोड़े बस एक गोल्डन अपरचुनिटी है। फैमिली इन कैनेडा, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है कि फैमिली की डेफिनेशन, फैमिली थोड़ी इमीजिएट फैमिली भी हो सकती है, थोड़े नाल जिहड़े रह रहे हैं थोड़े बच्चे, थोड़ी वाइफ हो सकते हैं, या थोड़ी कोई एक्सटेंडेड कोई फैमिली हो सकती है, मदर, सिस्टर, ब्रदर, फादर, ग्रैंड मदर, ग्रैंड चाइल्ड, आंट, नीज, नैफ्यू, कजन, कोई भी हो सकता है। उन्होंने तुम अपनी रिलेशनशिप प्रूफ करके दिखा सकते हो जी यह मेरी रिलेशनशिप है, यह मेरे नाल इतने, मैं इतने रहना वा, ये भी इतने रेंदे ने कैनेडा दे विच, ते मैं फैमिली प्रूफ करके दिया वा इसका। सो ये होगी फैमिली की गल। पंजवां बड़ा इंपॉर्टेंट है, इस बहुत ही इंपॉर्टेंट 6 चीज़ों चो सब की इंपॉर्टेंट चीज़ यही हुई है। सो छेवीं चीज़, पंजवीं चीज़ जी है वो है रैफरल बाय CLC। आपे नहीं तुसी जा सकते, आपे IRCC को नहीं जा सकते, थानू रैफरल लेना पौगा कनेडियन लेबर कांग्रेस का। CLC का लेबर थोड़े को जब तक थोड़े को रैफरल नहीं होएगा तुसी अगे नहीं चल सकते। वो चैक करेंगे कि हाँ भाई तुसी रिक्वायरमेंट मीट करते हो, अगर वो कहेंगे हाँ जी तुसी रिक्वायरमेंट मीट करते हो, वो थानू एक लैटर देंगे, रैफरल लैटर कहते हैं, रैफरल लैटर थोड़ा प्रोवाइड करेंगे, वो लैटर तुसी नाल लगाना है अपने एप्लीकेशन दे। फाइल थोड़े वास्ते असी ला देंगे, फाइल की तुसी चिंता ना करो, लेकिन रैफरल लैटर थोड़ा यह चाहिए CLC तो। सो रैफरल लैटर की एक कॉपी अपने रैकर्ड्स वास्ते भी रखियो, एक कॉपी नाल अटैच करके तुसी फाइल दे लाओ और IRCC नू भेजो। सो ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है सारे ये 5 चीज़ा हो गई। आखिरी एक 6वीं चीज़ हो रही कि IRCC ने यह चैक करना है कि हाँ भाई तुसी एडमिसेबल हो, कोई ऐसा कोई क्राइम नहीं किया, कोई गुनाह नहीं किया होया इस तरीके का, तो तुसी एडमिसेबल हो कैनेडा दे विच, वो चीज़ उन्होंने चैक करनी है। तो थोड़े डिपेंडेंट ये नहीं है कि तुसी तो कोई क्राइम नहीं किया लेकिन थोड़े बच्चों ने कोई क्राइम करता या थोड़ी वाइफ ने किया होया। सो उस चक्कर अगर वो इनएडमिसेबल ने, तुसी भी इनएडमिसेबल हो जाओगे। सो
ਇਹ ਡਿਟਰਮਾਈਨ ਕਰਨਾ ਆਈਆਰਸੀਸੀ ਦੀ ਰਿਸਪੋਨਸਿਬਿਲਟੀ ਹੈ। ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਆਫੀਸਰ ਇਹ ਚੈੱਕ ਕਰੇਗਾ ਕਿ ਹਾਂ ਇਨਐਡਮਿਸਿਬਲ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਜੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੀਆਰ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ। ਇਹ ਹੋ ਗਈਆਂ 6 ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਚੀਜ਼ਾਂ। ਲਾਸਟ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੌਣ ਅਪਲਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਬੜੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਨੇ ਲਾਲਚ ਕਰਕੇ ਜਾਂ ਜੋ ਵੀ ਰੀਜ਼ਨ, ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਹਾਂ ਜੋ ਵੀ ਰੀਜ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਲੋਕ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਫਟਾਫਟ ਆ ਕੇ ਨਾ ਰਿਫਿਊਜੀ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਰਿਫਿਊਜੀ ਜੇ ਜੈਨੂਇਨ ਕੇਸ ਹੈ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਜੇ ਰਿਫਿਊਜੀ ਜੈਨੂਇਨ ਕੇਸ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਵੀ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਨੁਕਸਾਨ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ। ਸੋ ਨੁਕਸਾਨ ਕੀ ਹੈ? ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਰਿਫਿਊਜੀ ਕਲੇਮ ਪਾਇਆ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 'ਚ ਅਪਲਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡਾ ਅਸਾਈਲਮ ਰਿਜੈਕਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਅਪਲਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟਸ ਮੀਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਤੁਸੀਂ ਅਪਲਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਤੁਸੀਂ GTA ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ, ਮੰਨ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਐਲਬਰਟਾ 'ਚੋ, ਮੈਨੀਟੋਬਾ 'ਚੋ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਟਲਾਂਟਿਕ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ 'ਚੋ, ਵੈਂਕੂਵਰ 'ਚੋ, ਤੁਸੀਂ ਅਪਲਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਇਹ ਸਿਰਫ GTA ਵਾਲਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਣਾਇਆ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ। ਸੋ ਇਹ ਕੌਣ ਅਪਲਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ? ਲਾਸਟ ਕੀ ਹੋਰ ਚਾਹੀਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਆਫਕੋਰਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਚਾਹੀਦੇ ਹੋਣਗੇ ਔਰ ਬਾਇਓਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਚਾਹੀਦਾ ਹੋਏਗਾ। ਸੋ ਇਹ ਇੱਕ ਯੂਨੀਕ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਨਵਾਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਸ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਸੂਟੇਬਲ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਚੀਜ਼, ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਡਿਸਕਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਅਪੁਆਇੰਟਮੈਂਟ ਬਣਾ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸਾਡਾ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਆਫਿਸ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਐਡਰੈਸ, ਈਮੇਲ ਆਈਡੀ, ਫੋਨ ਨੰਬਰਸ, ਸਭ ਕੁਝ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰਡ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਗੱਲ, ਜੇ ਚੈਨਲ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਪਲੀਜ਼ ਚੈਨਲ ਜ਼ਰੂਰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਦਿਓ। ਸਾਡੀ ਟੀਮ ਬਹੁਤ ਮਿਹਨਤ ਨਾਲ ਇਹ ਸਾਰੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਐਂਡ ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮੱਚ ਫੋਰ ਵਾਚਿੰਗ ਦ ਵੀਡੀਓ। ਥੈਂਕਸ।